जी, सो पहला सवाल ये उठता है, व्हाट इज एडीएचडी? एडीएचडी होता क्या है? डॉक्टर जैस्मिन, देन डॉक्टर प्रतीक। एडीएचडी, जैसे वी नो द फुल फॉर्म इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. तो इसमें बेसिकली बच्चों में अटेंशन डेफिसिट देखा जाता है. दे आर नॉट अटेंटिव, एक जगह पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आपकी आराम से वीडियो, बैठ. हाँ आप, इज इट ओके नाउ सर? ओके फाइन। जी, जैसे मैंने बताया, अटेंशन डेफिसिट में बच्चे ध्यान लगा के एक काम नहीं कर पाते हैं. दे आर नॉट एबल टू सस्टेन देयर कॉन्सेंट्रेशन ओवर अ पर्टिकुलर वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. दूसरा, हाइपर एक्टिविटी, एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते. मोर देन 2-3 मिनट्स दे वॉन्ट बी एबल टू सिट एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. या फिजिटिंग करते रहेंगे, या किसी चीज को, सामने कुछ पड़ा है उसको छेड़ते रहेंगे, या खुद अगर बैठे हुए हैं तो उठ के भागने लग जाएंगे. सो दिस इज बेसिकली वॉट यू कॉल इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और जैसे हम इसको रेफर कर रहे हैं, एडीएचडी. जी, डॉक्टर ओके, प्रतीक. डॉक्टर प्रतीक। जी सर, जैसे मैम ने बताया कि बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एडीएचडी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें नोट डाउन करने चाहिए, लेकिन आजकल अगर हम देखें तो बच्चे नॉर्मली इन चीजों के साथ ऑलरेडी एक्टिव होते हैं. उनको नया नया चलना सीखा होता है तो वो वॉक करना ज्यादा पसंद करते हैं, नया नया बोलना सीखा है तो वो बोलना ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे ही अकॉर्डिंग टू दैट एज, जब एडीएचडी के पॉइंट्स को हम नोट डाउन करते हैं तो उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें, उनके नॉर्मल बिहेवियर में और एडीएचडी के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिफ्रेंशिएट करना होता है. जी सर, तो एडीएचडी बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. तो इसके अंदर एक तो अटेंशन जो है उनका फोकस नहीं हो पाता है किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को लेके, और हाइपर एक्टिविटी, वो कुछ ना कुछ उनके एक्टिविटी चलती रहती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते. जी सर, तो बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ इन शॉर्ट, इट इज अ कंडीशन जो कि चाइल्डहुड कंडीशन होती है। इसमें तीन चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले अटेंशन, इन अटेंशन। दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी, एंड तीसरा इज इम्पल्सिविटी। सो जो उसको डिफिकल्टीज जो आएंगी, जो हमें पढ़ाया गया था कि उसको स्कूल में भी सेम डिफिकल्टीज आएंगी, घर में भी सेम डिफिकल्टीज आएंगी, और सोशल सेटिंग में इनफैक्ट पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ भी ये तीनों प्रॉब्लम्स उसको फेस होंगी, तब हम जाके उसको लेबल कर सकते हैं एडीएचडी। अब सेकेंड सवाल ये उठता है कि किसी को यदि एडीएचडी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि समबडी इज हैविंग एडीएचडी? डॉक्टर जैस्मिन। एडीएचडी में ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले तो यही रहेगा, हम पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं एक बच्चे को कि उसकी, हमारे सामने बैठे उसकी क्या बिहेवियर है. क्योंकि अगर जिसको एडीएचडी होगा बच्चे को, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो फिजिटी बहुत रहेगा, टेबल पे कोई भी सामान पड़ा होगा वो उसको छेड़ता रहेगा, ठीक है. कभी अब अगर चेयर पे बिठाया हुआ है तो वो आराम से बैठ नहीं पाएगा. विद इन अ मिनट और टू ही'ल ट्राई टू गेट अप एंड रन इन द केबिन आसपास. दूसरा, अटेंशन, आप उससे बात करोगे, यू माइट हैव टू रिपीट योर क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, जो आप उनसे पूछ रहे हो बच्चे से. बाकी हमारे पास असेसमेंट टूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम एडीएचडी चेक करते हैं बच्चों में. तो उनसे, हमारे असेसमेंट टूल से पता चल सकता है, हमारी ऑब्जर्वेशन से पता चल सकता है कि बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं. एंड द अदर पॉइंट इज कि उसका अगर ये बिहेवियर, जैसे डॉक्टर अंशुल ने भी बोला था कि बिहेवियर सेम रहेगा हर एक सिचुएशन में, चाहे बच्चा स्कूल में है, चाहे बच्चा घर पे है, चाहे बच्चा बाहर है कहीं निकला हुआ, तो उसका ये बिहेवियर बिल्कुल परसिस्टेंट रहेगा हर जगह के लिए. तो वो एक अनदर फैक्टर है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को एडीएचडी हो सकता है. डॉक्टर प्रतीक। जी सर, बेसिकली एडीएचडी के अंदर सर सबसे पहले तो हम फैमिली मेंबर इतने अच्छे से उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं जितना अच्छे से उनके स्कूल के टीचर्स उनको ऑब्जर्व करते हैं. तो एडीएचडी के अंदर बेसिकली उनकी फ्रीक्वेंटली कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती है घर पे, उनका इन अटेंटिव होना है, वो अटेंशन नहीं दे पाते एक पर्टिकुलर टास्क को. एक टास्क को करते करते साथ में दूसरी टास्क के ऊपर स्विच कर जाते हैं, पहला टास्क खत्म नहीं होता दूसरी टास्क के ऊपर स्विच कर जाते हैं. तो नॉर्मली ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो देखने को मिलते हैं,
अगर हमें ऐसे कोई पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और वो प्रसिस्टिंग चलते आ रहे हैं, कुछ टाइम से चलते आ रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे या साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट उनका ट्रीटमेंट प्लान सेट करवाना चाहिए। जी सर। सो बेसिकली व्हाट आर द साइन सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी? अब किसी को एडीएचडी है तो हमें क्या क्या साइन सिम्टम्स नोटिस करने की जरूरत है कि हम उसको लेबल कर सके कि उसको एडीएचडी है? डॉक्टर जैस्मिन, क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं बेसिकली? बेसिकली बच्चा डे ड्रीम बहुत करता है उसमें, एडीएचडी में। दूसरा, अनदर वेरी टिपिकल पॉइंट इज फिजिटी होना। तीसरा इज अपनी चीजें, बिकॉज ऑफ इन अटेंशन अपनी चीजें बहुत जल्दी लूज कर जाता है बच्चा। जैसे जैसे घर आएगा, पेंसिल बॉक्स में है चीजें हैं, तो उसे नहीं पता उसकी पेंसिल्स हर रोज गुम हो रही होंगी, इरेजर्स गुम करके आ रहा है, कभी नोटबुक गुम कर रहा है, घर पे चीजें पड़ी हैं तो उनको इधर उधर कर रहा है, एंड द चाइल्ड डज नॉट नो कि बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस, बिकॉज ऑफ द इनअटेंशन। दूसरा, बच्चा बात बहुत करता है, यू नो द चाइल्ड टेंस टू गेट वेरी टॉकेटिव, एंड टॉकेटिव इन द नेचर दैट द चाइल्ड विल नॉट कंटिन्यू अ पर्टिकुलर टॉपिक, एक के बाद एक के बाद एक टॉपिक चेंज करता रहेगा। तीसरा ये, और आगे ये है कि जैसे डॉक्टर प्रतीक ने भी बोला था कि एक काम को पूरा नहीं करेगा, जैसे अपना एक होमवर्क करने के लिए बैठा है, एक सब्जेक्ट को उठाया करने के लिए, उसको कंप्लीट नहीं करेगा, एंड ही'ल जंप ओवर टू समथिंग एल्स, या फिर होमवर्क करते करते ही'ल जंप ओवर टू प्लेइंग गेम्स, ठीक है। और गेम्स में उनको दिक्कत आती है जिनमें टर्न वाइज करना है, जैसे लूडो खेल रहे हैं या कैरम खेल रहे हैं, सो दे वोंट बी एबल टू सिट फॉर देयर ओन टर्न, उनको जल्दी रहती है कि अब मेरी बारी है, मेरी बारी है, मुझे दे दो, मुझे दे दो। सो दोज आर द साइंस एंड सिम्टम्स जिसमें हमें पता चल सकता है कि एडीएचडी है बच्चे को। ओके, डॉक्टर प्रतीक। जी सर, बेसिकली इन एक्टिव जो होते हैं, जो अपनी अटेंशन को फोकस नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए बेसिकली क्या होता है, वो पढ़ने बैठे हैं तो उनके सराउंडिंग में किसी ने म्यूजिक प्ले कर दिया या हल्का सा भी किसी ने शॉर्पनर नीचे गिर दिया, तो उसकी वॉइस से भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अटेंशन फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जैसे मैम ने भी बताया कि उनको नहीं पता चलता कि उन पेंसिल्स मिसप्लेस हो गई हैं, उनको ये नहीं रहता कि मेरे को अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, उनको ये नहीं याद रहता कि मेरे को साइंस की नोटबुक लेके जानी है या स्कूल नहीं लेके जानी है, वो चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनकी भूलने की आदत है, वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनकी अटेंशन नहीं है। तीसरा, उनकी फ्रीक्वेंटली कंप्लेंट्स आती है स्कूल से कि एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता है या एक जगह फोकस नहीं कर पाता है, ये एक टास्क को करते करते दूसरी टास्क पे स्विच कर जाता है, अपने असाइनमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम उसको कोई काम बोलेंगे तो बजाय वो काम करने के उसको उसको अवॉइड करके उसका ऑपोजिट बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है, वो ऐसा जान के नहीं करता है, उससे कंट्रोल में नहीं आता है, एक जगह पे टिक के 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता है, मोबाइल के ऊपर ज्यादा गेम्स भी अगर वो खेलेगा, मोबाइल पे खेलेगा या कोई ऐसी गेम खेलेगा, तो वो सारी गेम ऐसी होगी जो जिसमें उसको एक्टिव रहना पड़ता है, जैसे जो आजकल चल रही थी फ्री फायर टाइप की गेम्स, उस टाइप की गेम्स खेलेगा बजाय लूडो खेलने के, फिजिकल एक्टिव होगा, ग्राउंड में भागने की कोशिश करेगा, क्लास के अंदर बिना किसी रीजन के अपनी सीट से उठ जाएगा, क्लास का एक राउंड काटना शुरू करेगा, चलने के बजाय भागने की कोशिश करेगा। जी सर, ये नॉर्मली हमें सिम्टम्स मिलते हैं एडीएसडी के अंदर। तो बेसिकली इन शॉर्ट, अटेंशन उसका पुअर होगा, ही विल बी एक्सेसिव डिस्ट्रैक्टेबल, जैसे मैम ने बताया कि एक टास्क शुरू करेगा पर कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसकी प्लानिंग प्लानिंग उसकी पुअर होगी और ऑर्गेनाइजेशन भी डेफिनेटली उसकी पुअर होगी। अगर हम बात करें कोई भी चीज वो करेगा विदाउट थिंकिंग करेगा, फिजिटिंग बिहेवियर होगा उसका, एंड कोई भी टास्क को कंप्लीट नहीं करेगा, और हाइपर एक्टिविटी। तो तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या कोई लेबोरेटरी टेस्ट है टू डायग्नोज एडीएचडी? इज देयर एनी लेबोरेटरी टेस्ट फॉर एडीएचडी? डॉक्टर जैस्मिन। जी सर, वी हैव एडीएचडी टेस्ट जिसमें हम पेरेंट्स के तरफ से भी उनकी वो लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं कि
कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, विच इंक्लूड्स ऑल दोस साइंस एंड सिम्टम्स जो हमारी एडीएचडी के होते हैं. उस असेसमेंट टूल्स में सारे साइंस एंड सिम्टम्स मेंशनड होते हैं. तो वी आइदर टेक द रिपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड वी ऑल्सो टेक द रिपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स ऑफ द स्टूडेंट. जो बच्चा है, जो पेशेंट आया है, उसके टीचर्स से भी हम जाके रिपोर्ट लेते हैं. सो देर आर क्वाइट अ फ्यू एडीएचडी स्केल्स जिसमें से हम यू नो वी कैन गिव इट टू द पेरेंट्स और टू द टीचर्स एंड टेक द रिजल्ट आउट ऑफ इट. ओके, डॉक्टर प्रतीक. अनफॉर्चुनेटली कोई ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं आया, कोई केमिकल टेस्ट ऐसा नहीं आ पाया अभी तक. साइंस में इतना इस लेवल पे अभी नहीं जा पाए हम लोग. बट वी हैव अ चेकलिस्ट ऑफ एडीएसडी जिसके अंदर हमें ये चेक लिस्ट जो है हम उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर से और उनके नियर एंड डियर से, जो मोस्टली जैसे उनके कोचिंग सेंटर वाले हो गए या उनके एल्डर ब्रदर सिस्टर हो गए, उनसे हम फिल करवा सकते हैं. जिसके अंदर बेसिकली वो सिम्टम्स ही, जैसे जैस्मिन मैम ने बताया, उसमें सिम्टम्स मेंशन है कि आपका ये जो बेटा है तो वो कितने टाइम से ये एक्टिविटी कर रहा है. बेसिकली ये सारे सिम्टम्स का एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है कि 6 महीने तक ये सिम्टम्स रहेंगे, प्रसिस्टेंट रहेंगे, तभी जाके हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें उनकी हिस्ट्री भी लेनी होती है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री भी चाहिए होती है, उनके पास हिस्ट्री भी चाहिए होती है, जिसके बिहाफ पे हम डायग्नोज कर सकते हैं. जी सर. डेफिनेटली कोई लैब टेस्ट ऐसा तो नहीं है, बट डेफिनेटली उसका बिहेवियर, बच्चे का घर पे कैसा है, सिबलिंग्स के साथ कैसा है, पेरेंट्स के साथ कैसा है, और स्कूल में उसके कलीग्स के साथ और टीचर्स के साथ कैसा है, साथ ही साथ उसकी पूरी डेवलपमेंटल हिस्ट्री जैसे आप सबने बताया लेने की जरूरत है, और कोई कॉम्प्लिकेशन मदर को प्रेगनेंसी में तो नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई मेडिकेशन तो नहीं है या कोई स्ट्रेस लेवल तो नहीं है, ये थोड़ा डिटेल लेने की जरूरत है. बेसिकली चाइल्ड का बिहेवियर टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड स्कूल तो वो बेटर गाइड कर पाते हैं कि यू नो सिम्टम्स है कि नहीं है. अब सवाल ये उठता है कि हाउ डज, अगर एडीएचडी परसिस्ट, अगर हम उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, तो क्या वो प्रोग्रेस कर सकता है टीनेज में, और यदि प्रोग्रेस कर सकता है व्हाट विल हैपन? डॉक्टर जैस्मिन. सर, एडीएचडी अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना दिया गया, आइदर थ्रू मेडिकेशंस विच आर मोस्टली गिवन फॉर द हाइपर एक्टिविटी फैक्टर ऑफ एडीएचडी, और जो हमारा साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम दोनों अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, अगर उनमें डिले कर दिया जाए तो डेफिनेटली द प्रॉब्लम विल इंक्रीज विद द टाइम. एंड बच्चे को डेफिनेटली हर एक लाइफ एरिया में असर होगा, जैसे उसकी पढ़ाई में उसको डिफिकल्टी आएगी. बच्चा अगर कैपेबल है भी, स्टिल ही वोंट बी एबल टू स्कोर गुड बिकॉज ऑफ द अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी थिंग, विच विल लेटर ऑन इफेक्ट हिज ग्रेड्स एंड आगे जाके उसकी यू नो बाकी लाइफ जॉब प्रोफाइल में असर करेगा. सेकेंड, पर्सनल लाइफ में इफेक्ट करता है. There is a lot of मतलब they are not able to have a good interpersonal relationship अपनी family के साथ, अपने siblings के साथ, which will pertain later on also in other relationships also. And yes, अगर जैसे ADHD के जो बच्चे हैं, I have seen comorbidity with the conduct disorder also. तो वो चीज का factor ज़्यादा बढ़ जाता है अगर ADHD को सही time पे ना treat किया जाए. So it can also, you know, accompany conduct disorder in the children. Dr. Pratik. जी सर, basically हम थोड़ा सा इसके साथ हम थोड़े facts के बारे में भी बात करते हैं कि multiple 3 times ज्यादा dangerous होता है ये boys के अंदर as compared to girls. तो basically इसमें जो बात आती है कि अगर ADHD treated ना हो तो उसके क्या-क्या complications आती हैं. देखिए सर, जब अभी एडीएचडी के अंदर बच्चा होता है तो मैम ने जैसे बताया उसके एकेडमिक में तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी जॉब प्रोफाइल को जो वो डिजर्व करता है वो ना मिलके उससे हो सकता है कि नीचे आए. प्लस फैमिली के अंदर जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात की मैम ने, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा फैमिली के अंदर. एट होम के अंदर भी उसकी डिस्टर्बेंस रहेगी, पेरेंट्स उसको इतना अटेंशन नहीं दे पाएंगे जितनी उसको डिजर्विंग होती चाहिए. एक उससे डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, सोशल
स्किल्स उसके डाउन हो जाएंगे, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, वो ग्राउंड में खेलने जाता है वो टीम वर्क में अच्छा नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि वो टीम के साथ कनेक्ट होके नहीं चल सकता है, वो अपना इंडिविजुअल होके चल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसके आने वाली लाइफ में डेफिनेटली इफेक्ट करती है। बट फ्यू केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं जिनकी मेच्योरिटी की वजह से उनका एचडीएसडी एक टाइम पे जाके डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन ड्यू टू उनकी लैक ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस जब वो एडीएसडी की ड्यूरेशन में थे, उसकी वजह से उनकी जॉब प्रोफाइल पहले से डाउन रहती है और उस वजह से वो डिप्रेशन के अंदर ज्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। जी सर, ओके, सो डेफिनेटली अगर ये प्रोग्रेस करेगा तो डेफिनेटली इट हैज़ अ कॉन्सिक्वेंसेस, कॉम्प्लिकेशंस जैसे आपने बताया बहुत से होते हैं, एंड मेडिकेशंस होती हैं उसका अटेंशन स्पैन हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए। डेफिनेटली मेडिसिन्स का बहुत ही अहम रोल है, पर आई फील कि यदि बच्चों में जिस स्टेज में स्टार्ट हुआ है इट शुड बी यू नो डायग्नोज एट अ प्रॉपर एज सो दैट यू नो टीनेज में जाके कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर सकें। अब लास्ट सवाल ये उठता है कि अब ऐसे पेशेंट्स को, बच्चों को और पेरेंट्स को क्या काउंसलिंग का रोल रहता है एडीएचडी के बच्चों में एंड पेरेंट्स में, और स्कूल टीचर्स की तरफ से क्या रोल रहता है? डॉक्टर जसमी आई एम सॉरी सर, मेरा इंटरनेट थोड़ा बीच में रुक गया था, आई कुड नॉट देखिए, गेट द अब क्वेश्चन। लास्ट सवाल ये है, रोल ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग का क्या रोल है एडीएचडी में, पेरेंट्स का, स्कूल टीचर्स का क्या रोल रहता है टुवर्ड्स एडीएचडी? पहले काउंसलिंग देन उनका रोल क्या है? काउंसलिंग में सर सबसे पहला रोल है टू गिव अ सूटेबल एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड। एक पर्टिकुलर जैसे जैसे अगर हम घर पे भी अगर पेरेंट्स को बोलते हैं कि इसको पढ़ाने बिठाना है या कोई काम करवाने बिठाना है, सो द चाइल्ड हैज टू बी सीटेड इन अ वेरी लेस स्टिमुलेटेड एरिया, जहां पे उसको स्टिमुलेशन कम, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम मिले, उस एरिया में उसको बिठाना है। सो दैट इज योर एनवायरमेंटल चेंज जो लाना है हमने। सेकेंड इज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, उसमें डेफिनेटली वी नीड हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज होगा, पेरेंट्स का अपना बिहेवियर टुवर्ड्स द चाइल्ड, उसका सिम्टम्स की तरफ बिहेवियर चेंज होगा, देयर विल बी एन इफेक्ट इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, वो इफेक्ट करेगा बच्चे पे। एंड वी डू दैट विद री इन्फोर्समेंट, जैसे पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट हो गया, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट हो गई। सो आई हैव सीन दीज री इन्फोर्समेंट वर्किंग वेरी वेल ऑन एडीएचडी किड्स। तो बाकी स्कूल एनवायरमेंट में वी अगेन हैव टू साइको एजुकेट द टीचर्स रिगार्डिंग हाउ टू हैंडल दिस पर्टिकुलर चाइल्ड। अगर वो टिक के नहीं बैठ रहा है, देन अगेन वी हैव टू एक्सप्लेन देम द रिवॉर्ड्स एंड द पनिशमेंट थिंग, की री इन्फोर्समेंट थिंग, की अगर ये कर रहा है तो इसको इस तरह से ट्रीट कीजिए, अगर नहीं कर रहा है तो इस तरह से ट्रीट कीजिए। सो दैट इज बेसिकली योर काउंसलिंग रोल और द थेरेपी रोल दैट इज देयर। एंड दूसरा डेफिनेटली वर्किंग ऑन द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड, देर आर डिफरेंट एक्टिविटीज विच हेल्प्स, जैसे बीडिंग हो गई, बीडिंग एक्सरसाइज है, दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर अटेंशन, इंक्रीजिंग द अटेंशन स्पैन ऑफ द चाइल्ड। और ड्रॉइंग है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज दी इट रिड्यूसेज द इम्पल्सिविटी इन द चाइल्ड एक्चुअली। सो देर आर डिफरेंट वेज, देर आर डिफरेंट टेक्निक्स विच कैन बी अप्लाइड ऑन एडीएचडी चाइल्ड। दूसरा आगे क्या था सर आपका क्वेश्चन, रिगार्डिंग द फैमिली एंड द दूसरा रोल ऑफ था द कि फैमिली। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स इन केस ऑफ डीलिंग विद एडीएचडी, व्हाट व्हाट इज द स्पेशल रोल दे हैव टू प्ले? स्पेशल रोल दैट दे हैव टू प्ले इज दैट दे हैव टू बी वेरी पेशेंट इन देमसेल्व्स एंड वेरी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स द थेरेपी और द ट्रीटमेंट दैट इज गोइंग ऑन। अगर मेडिकेशंस दी जा रही हैं तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे आर सपोज टू चेक वेदर द चाइल्ड इज टेकिंग द मेडिकेशंस इन टाइम और नॉट। जिस टाइम पे दिया जा रहा है, देना है, उस टाइम पे वो डोज दी जा रही है या नहीं। अनदर थिंग दैट दे शुड नॉट मिस एनी फॉलो अप विद द डॉक्टर और द थेरेपिस्ट। दूसरा, वॉट एवर द थेरेपिस्ट इज आस्किंग देम टू डू द एक्टिविटीज इन द मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर में कुछ एक्टिविटीज निकालनी है, सो देयर कोऑपरेशन टूवर्ड्स दोज एक्टिविटीज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड जिस तरह से हम, जैसे मैंने बोला, बिहेवियर थेरेपी वर्क बहुत करती है बच्चों पे, तो द पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू चेंज देयर सर्टन बिहेवियर टूवर्ड्स द
सिम्टम्स ऑफ द चाइल्ड. जैसे कई बार यूजली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा अगर काम नहीं कर रहा है तो उसे डांटेंगे, विच एग्रेवेट्स द सिम्टम इन द चाइल्ड. तो देर आर सर्टन टाइम्स वेयर दे हैव टू इग्नोर द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड सो दैट वो अपना काम करे, विच शुड बी रिवॉर्डेड. सो दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ द फैमिली, जिसमें बच्चे का बिहेवियर चेंज करने में उनका रहेगा. थर्ड जो स्कूल वाला एरिया है, टीचर्स है, अगेन दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड इज फेसिंग सर्टन प्रॉब्लम्स. एंड अगर वो किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर में करता है एक्ट, तो इट इज नॉट बिकॉज कि वो जानबूझ के कर रहा है, बट इट इज बिकॉज ऑफ हिज डिसऑर्डर दैट इज देयर. सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट, दे हैव टू बी साइको एजुकेटेड रिगार्डिंग इट, एंड अगेन देयर कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द होल ट्रीटमेंट प्रोसेस. थैंक यू डॉक्टर प्रतीक. जी सर, सबसे पहले तो फैमिली मेंबर और टीचर का रोल ये प्ले होता है कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें. तो आप लोग देखा जाए तो वैसे कुछ पे नहीं है, वो ज्यादा एनर्जी के साथ आगे आना चाहते हैं, तो हमें उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है. ये नहीं कहना है कि उसकी एनर्जी को कम करवा दें. चैनलाइज करने के लिए हम बच्चों को एरोबिक्स में, डांस के अंदर और या किसी ऐसी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी चैनलाइज होगी, वो इवनिंग में आके थकेंगे और अपने आप ही आराम से सो जाएंगे. तो ऐसी कोई एक्टिविटी हम उनके रूटीन में लेके आए, उनके जो पढ़ाने का जो वे है उनके लिए, तो वो हम थोड़ा सा चैनलाइज कर दें. जैसे अब स्पेशल एजुकेटर का रोल यहाँ पे प्ले होता है. एक ADHD जो स्टूडेंट होता है उसको हम कैसे इंटरेक्टिव वे बता सकते हैं टीचिंग का, कि वो कैसे उस चीज को रीड आउट करे, वो कैसे अपना फोकस बना के रख सकता है. तो स्पेशल एजुकेटर, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, इट्स अ टीम वर्क. वो टीम वर्क कब और कैसे आएगा, जब अवेयरनेस पेरेंट्स के पास और टीचर के पास जाएगी. तो हमें मेन पॉइंट ये है कि हमें उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, बजाय इसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलने के लिए हम ये बोल सकते हैं additional direction, high dose, something like that. हम इसको positive scenario के अंदर लेके जाते हैं. जी सर. तो सर कुछ questions हैं, तो I think we should answer them. Right sir. What is the age to diagnose ADHD? सर बेसिकली यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ADHD जो होता है मोस्टली 7 ईयर से पहले ही हमें उसके सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं. तो और ऐसा नहीं है कि उसके बाद ADHD के सिम्टम्स डिजोल्व हो जाते हैं. ऐसा होता है कि ADHD उसके बाद भी कई बार पता चलता है, क्योंकि फैमिली में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो इस चीज को नहीं बता पाते. तो ADHD वैसे नॉर्मली 7 ईयर से पहले पहले ही डायग्नोस होता है. अगर उसके बाद भी निकल गया है तो हम फीचर्स बोल सकते हैं, कर सकते हैं. जी सर. डॉक्टर जैस्मिन. सर, ADHD कैन बी डायग्नोस्ड राइट फ्रॉम द टाइम जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, मे बी बाय द एज ऑफ 4 और बेबी बाय द एज ऑफ 5. आइडियली बाय द एज ऑफ 5 हमें एक क्लियर पैटर्न ऑफ सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है, बिकॉज दैट इज द टाइम वेन द चाइल्ड स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग इन द ग्रुप, इन अ लार्जर ग्रुप. कि वो घर के एनवायरमेंट से निकल के, हो सकता है घर में वो पैम्पर बहुत ज्यादा किया जाता हो, जिसकी वजह से सिम्टम्स होते हुए भी द फैमिली इज नॉट एबल टू नोट देम. बट वंस द चाइल्ड गोज टू द स्कूल, स्टार्ट्स गोइंग टू द स्कूल या बाकी बच्चों के साथ, एक लार्जर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करता है, दैट इज द टाइम वेन the actual symptoms can be noted. So I think, जैसे डॉक्टर प्रतीक ने भी बोला था, before the age of 7, ideally I feel that from the age of 5, the ADHD symptoms can be seen in the child. So I think we should hurriedly answer the questions. So Dr. Prateek, what is the next question? Somebody asked about what is the diet in ADHD. So, Dr. Jasmine, what diet should we give to ADHD children? And then Prateek will answer. Diet for ADHD, it is, I think, a normal diet, a healthy diet. Normal khana dena hai. What I feel somebody was asking is, there's a question, does sugar intake impacts?
यस आई हैव सीन चिल्ड्रन जिनमें द मोमेंट दे टेक शुगर दे टेंड टू बिकम मोर हाइपर एक्टिव एट दैट टाइम फॉर सम टाइम्स. सो शुगर इनटेक शुड बी रिड्यूस्ड आई थिंक इन एडीएचडी किड्स. बाकी नॉर्मल आई डोंट थिंक सो देर इज एनी स्पेशल डाइट दैट हैज टू बी गिवन टू द चिल्ड्रन अदर देन दैट. डॉक्टर प्रतीक, एनी डाइट रोल? फास्ट फूड को अवॉइड करें जो हमारे केमिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं. ऑयली ऑयली चीजों को हम अवॉइड करें. सैलेड के ऊपर, सूप के ऊपर और ग्रीन वेजिटेबल के ऊपर फोकस करें. तो ये नॉर्मल डाइट है, ये जो भी नहीं है एडीएससी में ये चलेगी. ये नॉर्मल रूटीन में हमारी ऐसी डाइट होनी चाहिए. ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हम सबके लिए. जी सर. ओके, थैंक यू. सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? There is a There is a question. Pratik, जी सर. Dr. Pratik, there is a question. How to differentiate? Can you read the question and we should answer and then we'll finish off the session. Which one question is there? There are many children in my school having ADHD. How to differentiate it? That question. सर बेसिकली एडीएसडी के सिम्टम्स जैसे हमने बताए, तो पहले सबसे पहले उनको फाइंड आउट करना है. आफ्टरवर्ड उनको क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमें आगे फर्दर रेफर करना पड़ेगा. जो भी नियर बाय साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, आप उनके पास उनको भेजिए. न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हो उनके पास भेजिए, तो वो आगे की उनकी फर्दर ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे और उनसे कोऑर्डिनेशन रखिए. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आप लोगों को आगे फर्दर गाइड करेंगे. Okay, Dr. Jasmine, the question is just a second. Question is, there are many students that show symptoms of ADHD in my class. How to differentiate? Sir, ADHD, the first thing that has to be noticed is that किस बच्चे में ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं. बिकॉज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल इन विच क्लास आर दे इन, वॉट इज देयर एज, इन विच क्लास आर दे स्टडिंग इन. क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं ज्यादा, तो डेफिनेटली उनमें एक काइंड ऑफ यू नो डिस्ट्रैक्शन होती है. दे आर अ बिट फिजिटी, बट वी हैव टू डेफिनेटली वी हैव टू मेक अ थ्रेश होल्ड की ओके फाइन, दिस इज अ नॉर्मल काइंड ऑफ फिजिटीनेस एंड दिस इज अ यू नो बियॉन्ड द थ्रेश होल्ड थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू आइडेंटिफाई कि ये क्या डेली बेसिस पे परसिस्टेंट हो रहा है उनका बिहेवियर क्लास में. जैसे उन्होंने बोला है उनके क्लास में काफी बच्चे दिख रहे हैं उनको. सो इज एक हर एक बच्चे का देखना है कि इज द बिहेवियर परसिस्टेंट इन एवरी डे मैनर. फिर अगर उन्हें लगता है कि यू नो देयर इज अ रेगुलर कंप्लेंट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर चाइल्ड कि वो अपना होमवर्क रेगुलरली नहीं करके आ रहा है, या वो अपनी चीजें क्लास के अंदर घुमा रहा है, या वो ना खुद पढ़ रहा है दूसरे बच्चों को भी वो कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. सो आई थिंक उन बच्चों को दे शुड बी सेंट टू अ साइकाइट्रिस्ट और टू अ साइकोलॉजिस्ट. फर्स्ट दे हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट इज दोज बिहेवियर परसिस्टेंट इन एवरीडे रूटीन. So the last question I'm going to take up is ki there is often repetition of things in ADHD. So how to differentiate? How to help in that? Dr. Pratik and Dr. Jasmine. सर जो रेपिटेशन थिंग्स आती है उनकी लाइफ के अंदर, उसमें हम कैसे कर सकते हैं, हम उसकी जब एनर्जी को चैनलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, हम उसको टास्क देंगे, तो वो रेपिटेशन की जो चीजें हैं, जो अनवांटेड एनर्जी वो अपनी वेस्ट कर रहा है, वो कहीं यूटिलाइज होगी, तो अपने आप ही ये रेपिटेशन की चीजें होंगी वो डिजोल्व होनी शुरू हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जब एरोबिक्स में जाएगा, एथलेटिक्स में जाएगा, स्पोर्ट्स के अंदर जाएगा, इंटरेक्ट करेगा, तो वो रिपीटेशन के लिए उसके लिए टाइम ही नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट वहां पे क्रिएट हो जाएगा, तो वो एक्टिविटी करेगा, तो ये रिपीटेशन का बिहेवियर मुझे नहीं लगता कि वापस आएगा. बाकी जब तक हमारे सामने उसकी हिस्ट्री नहीं आती, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट और हर इंटरेस्ट हम उसको गाइड कर सकते. Okay, just last question, Dr. Jasmine, then we chop off, then we finish off. Is this advisable to mix ADHD students with other students? मैं ऐसे वही देख रही थी. देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन कमिंग अप कि इज देर अ स्पेशल स्कूल, शुड दीज स्टूडेंट्स बी सेंट टू अ स्पेशल स्कूल. आई डोंट थिंक सो. दे नीड अ स्पेशल स्कूल, बट डेफिनेटली दे नीड अ हेल्प ऑफ अ स्पेशल एजुकेटर. जैसे डॉक्टर प्रतीक ने भी बोला था कि स्पेशल एजुकेटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये इट्स अ टीम वर्क. बट दीज स्टूडेंट्स दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्कूल. ओके,
इनको आप डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स के साथ रख सकते हैं, बट द ओनली पॉइंट इज दैट दे हैव टू बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट मैनर. अगर साथ साथ में इनका स्पेशल एजुकेटर के साथ ट्रीटमेंट चलता रहेगा, साइकाइट्रिस्ट के साथ ट्रीटमेंट चलता रहेगा, साइकोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट चलता रहेगा, देन इफ दे आर गोइंग टू अ स्पेशल एजुकेटर, देयर विल बी डेफिनेटली अ गुड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. सो आई डोंट थिंक सो दे नीड एनी अदर स्पेशल स्कूल टू बी एडमिटेड टू. Ma'am, just last question I have. Can I just ask that? Okay. Yeah, please go on. I just wanted to know कि अगर एक बच्चा special school में जा रहा है तो उसकी additional need है कि वो special educator भी घर पे मतलब required हो. That totally depends on the preference of the family. If they want कि उनको लगता है कि you know they should also consult a special educator, they are most welcome to go ahead with that. Okay, ma'am. Thank you. So, I would like to thank Dr. Jasmine and Dr. Pratik for taking precious time in this corona time. And the discussion was very fruitful. And Dr. Pratik, kindly conclude the session, please. Sure, sir. So, the ADHD is not a difficult task to control that those things. हम उनके behavior को manage कर सकते हैं, उनकी energy को channelize कर सकते हैं, बस we need to be focus on a problem, not on a distraction. हम उनके distraction के ऊपर focus ना करके उनकी problem के ऊपर focus करें और उनको solution दें. उनको guideline देनी किसने है? हमने ही देनी है. तो हम मिलके एक काम करें, awareness लेके आए और find out करें अगर ऐसा कोई child है तो उसको look out करके हम आगे बढ़े. तो सर thank you करना चाहूंगा मैं आपका और जैस्मिन मैम का कि इतने precious time निकाल के हमें मैम ने दिया इस टाइम में कोविड के साथ और उनकी हेल्थ के साथ अभी जैसे चल रहे हैं उनका. सो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू एवरीवन. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच.